बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो इस महीने का पहला वीडियो है सितंबर। तो आज मतलब मैंने सोचा ही इस महीने मैं थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखूंगी, जो सारी चीज बेफिजूल का मैं खर्चा करती हूँ वो सारी चीज मैं ना करूँ, थोड़ा सा सेविंग करूँ। बट थोड़ा बहुत हो जाता है एंड हर महीना मैं अपना बजट बना के ही चलती हूँ। ये मेरा डायरी है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, एक डायरी है मैंने अमेजोन से लिया था। तो हर महीने का मेरा बजट मैं क्या क्या खर्चा करती हूँ नहीं करती हूँ, अभी तक तो इतना ही पन्ना हुआ है। सो जनवरी से ही मेरा खर्चा का पूरा पिटारा यहाँ पे लगा रहता है कि कितना खर्चा हो रहा है नहीं हो रहा है। एक साइड में मेरा पेट, घर का रेंट, जिम का खर्चा, जो भी अदर होता है वो सारी चीज, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, और एक साइड में मैं डिवाइड कर लेती हूँ ऐसा लंबा लाइन खींच के, फिर एक टाइम में घर का जो भी राशन वगैरह, फिर पूरा दिन में जो भी खर्चा होता है वो सारे लिखती हूँ ताकि मुझे पता चले कि मैं कितना खर्चा कर रही हूँ। कुछ महीना, एक महीना ज़्यादा हो जाता है, एक महीना थोड़ा कम हो जाता है, ऐसा करके चलता है। पर कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सेविंग करूँ, क्योंकि सब कुछ आपको अकेला करना होता है तो आपके पास थोड़ा बहुत सेविंग भी होना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी में अगर कुछ ज़रूरत पड़ जाए तो आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, ना कि आपके माँ बाप के सामने भी हाथ ना फैलाना पड़े। आप खुद से जब अपना जिंदगी जी रहे हो, लिविंग अलोन लाइफ, आप खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रहे हो एंड आप खुद के पैरों पर खड़े हो, सो आपका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि आपको पास सारे चीज़ सारे फैसिलिटी के साथ साथ सेविंग भी होना चाहिए ताकि ज़रूरत के टाइम पे आप खुद का हेल्प खुद ही कर सको। सो ऐसा नहीं है। तो इस महीने मैंने क्या किया है, मैंने दो चार चीज़ और थोड़ा सा मैंने देखा है। मैंने तीन चार महीने से मैं यूट्यूब कर रही हूँ एंड मेरा जो एक चीज़ मेरा मुझे ठीक नहीं लग रहा था और अब मुझे गिल्टी फील हो रहा है बेवजह का, मुझे नायका हॉल बनाना है, अमेजोन हॉल बनाना है, ये सारे चक्कर में बेवजह का मैं चीज़ें खरीद रही थी, प्रोडक्ट खरीद रही थी एंड अभी ऐसा हो गया है। दूसरा मुझे ऑर्गेनाइजर ऑर्डर देना पड़ा ड्रायर वाला ताकि मैं वो सारे सामान स्टोर कर सकूँ जबकि वो ज़रूरत नहीं थी। तो ये सारे जो बेकार का जो खर्चा है वो अब से मैं नहीं करूँगी, एकदम से नहीं, नो बिग नो, एंड जो ज़रूरत का सामान होगा तभी लूँगी, तभी हॉल करूँगी, अदरवाइज नहीं करूँगी। एंड और एक चीज़, मैंने दो चार ऐप्स जो मैं रैंडम शॉपिंग करती थी फालतू का, वो सारी चीज़ मैंने डिलीट कर दिया। एक है अर्बनिक, अर्बनिक में जिम आउटफिट हो या फिर कुछ भी टॉप देख लिया, 2000 के अंदर आपको टॉप, जीन्स, कुछ भी लोअर जो भी चाहो आपको मिल जाता है, तो आपको इतना सोचते नहीं हो, आप रैंडमली ऑर्डर दे देते हो। तो वो मिंत्रा, एक फ्लिपकार्ट और एक मेसो में कभी कभी, मतलब मेसो में ऐसा नहीं है, मेसो में मैं बहुत शॉपिंग नहीं करती, मेसो में ज़्यादातर मेरे किचन का सामान आता है, ये सारी चीज़ रहता है मेसो का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिजनेबल रेट में मिल जाता है। हर टाइम छोटे छोटे चीज़ के लिए आप कितना मार्केट जाओगे, तो इसलिए मेसो ये वो, पर फिर भी अभी और मुझे कुछ चाहिए नहीं तो मैंने वो भी डिलीट कर दिया कि ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी, ऐसा टाइप का। तो इस महीने मैंने ये गोल सेट किया है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करूँगी एंड अभी मैं जा रही हूँ ग्रोसरी शॉपिंग करने एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। मुझे सब्जी खरीदना, फल खरीदना, फिर लास्ट में मैं एक ही दुकान से लेती हूँ तो भैया तो मुझे पहचान गए हैं, फिर लास्ट में वो थोड़ा सा धनिया पत्ता मांगना कि थोड़ा सा ग्रीन चिली दे दो, कोरिएंडर दे दो, तो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं तो जा रही हूँ, आप लोग भी चलो एंड आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है एंड होगा, बिकॉज सितंबर मतलब हर महीने का पहला तारीख मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास होता है, अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितना मतलब खुद सब कुछ करती हूँ, क्योंकि एक महीना एक तारीख को जो होता है, जो लड़कियाँ अकेली रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर होता है, घर का रेंट देना होता है आपको, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है आपको, आपको घर का राशन का पूरा लिस्ट बनाना होता है, धोबी वाला का, हर एक खर्चा का आपको खुद अब सब पे करते हो ना,
आपको लगता है कि मतलब अलग ही फील, खुशी भी बहुत ज्यादा होता है, लगता है कि हाँ मतलब ये सारी चीज पापा को देखते थे करते हुए, अब खुद अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं, सो एक अलग सा खुशी है। सो आज का व्लॉग चलो देखो, आप लोगों को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। रवि चलो हम लोग जाते हैं सब साथ में शॉपिंग करने, ग्रोसरी और थोड़ा बहुत सब्जी वगैरह भी ले लेंगे, चलो साथ में चलते हैं। भिंडी हमेशा ऐसा मुंडी को थोड़ा तोड़ के लिया जाता है, इसका मतलब है कि भिंडी एकदम फ्रेश है, अच्छा है, एंड उसको ना फ्राई करने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होती है क्योंकि बहुत क्रिस्पी बनता है। हरा हरा सब्जी देख के तो दिल मेरा गार्डन गार्डन हो जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये देखो किंग कोप जो कि बहुत डिमांड में है आजकल, तो मैंने एक भी ले लिया है। अब चलते हैं फ्रूट लेने के लिए क्योंकि फ्रूट के बिना तो कुछ नहीं चलेगा, कुछ हो ना हो पूरा दिन में एक फ्रूट तो हमेशा खाना नहीं चाहिए। हेल्थ के लिए अच्छा होता है, स्किन एंड हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है, तो आप लोग भी फ्रूट एटलीस्ट खाया करें। एंड आप लोग अगर एप्पल ना खाओ तो अमरूद भी ले लो, मैं अमरूद का भी सीज़न अच्छा है क्योंकि बारिश का मौसम है तो मैं अमरूद भी बहुत खाती हूँ। अभी आ गई हूँ डी मार्ट ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए, मेरे बगल में ही है, मतलब मेरे घर के बगल में ही है, छोटा सा है, तो यहाँ से चलो जो जो सामान चाहिए वो तो सारी चीज़ ले लेते हैं। हो रहा है उतना ज़्यादा गर्मी भी, तो शॉपिंग तो हो गई, घर चले आप। घर आने के बाद भी मेरा थोड़ा बहुत काम रहेगा, वो सारे चीज़ कर लूँगी मैं क्योंकि कल फिर मे भी मुझे टाइम ना मिले। एंड अभी दो तीन दिन में थोड़ा सा बिज़ी रहूँगी, मतलब घर का सारे चीज़ क्या क्या है नहीं है वो सारी चीज़ अमेजोन स्विगी एंड ब्लिंकिट से भी बहुत सारा चीज़ मैंने ऑर्डर दिया है, अमेज़न में ऑर्डर लगा दिया है, ब्लिंकिट में स्विगी में वो सारी चीज़ मैं दे दूँगी एक दो दिन में। अमरूद को मैंने धो के रख दिया है एंड बाबू को देखो कैसे सोकर है। क्या चल रहा है, नीली कर रहे थे तुम, और तुम क्या कर लियो, तुम भी नीली कर लियो। टाइसर को तो वक्त हो गया बाहर घूमी घूमी करने का, आजो ना। क्या ऐसे देखे बाबू जो ना, अरे ये तो एकदम नींद में। टॉम, टामू, 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 तुम का कर लियो, तुम नीनी नहीं निकल लियो। अरे बाबले बहुत ज्यादा नीनी है। अच्छा ठीक है, नीनी कर लो तब, ठीक है चलो, ठीक है ठीक है ठीक है। ये धूपी, मामा का बेटा का धूपी, अली पावली कितना क्यूट है बाबू, ये बिला माचल चोना चोना टाइचन बाबू दापा टाइचन मतलब है ना टाइचन, बाहर जाओगे तो ऐ देखो कैसे बैठ गया, बाहर जाना है, बाहर जाना है आपको, टाइम हो गया। अच्छा फोन कर रहे हैं, तुमको लेके जाएगा बाहर घूम घूम करने। चलो मम्मा फ्रेश हो जाती है, ठीक है ढापा चुनो मम्मा ढापा, कुकी कर लेगी मम्मा। मैं ना जब गई थी शॉपिंग करने तो आके ही मैं फ्रिज में रख दिया था क्योंकि मैं हमस वगैरह में ये सॉसेज वगैरह लेके आई थी क्योंकि मैं डाइट में ज़्यादातर चिकन प्रोटीन मुझे चाहिए होता है और सैलेड में बहुत अच्छा भी लगता है, तो मैं लेके आ गई थी। चिकन का है 100% हलाल है, सो ये मैं लेके आ जाती हूँ। एंड जब भी ख़त्म होता है मैं स्विगी से ज़्यादातर ऑर्डर करती हूँ, आज मुझे मिला डी मार्ट में तो मैंने ले लिया कि चलो ठीक है लगे हाथ में ले लेती हूँ। एंड देखते हैं इसका
टेस्ट कैसा होता है। और ऑलिव ऑयल से जस्ट थोड़ा सा सौते करती हूँ, मतलब डीप फ्राई एकदम नहीं, क्योंकि अब डाइट पे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। एंड जो चिकन मतलब जो सैलेड होता है ना, वो बहुत यम भी लगता है दिखने में। एंड गाइज, ये मैं बॉक्स दिखा रही हूँ आप लोगों को, स्टोरेज बॉक्स है फ्रिज के लिए, ये मैंने मेसो से लिया है, बहुत अच्छा है ऑर्गेनाइज करने के लिए। मैं आप लोगों को और भी दिखाती हूँ, जस्ट मैं 3-4 पीस अभी यूज़ कर रही हूँ। इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एक, क्योंकि जो जिम करते हैं उनको पता ही होगा एक चाहिए प्रोटीन। तो मैं पूरा एक फाइल मैंने ले लिया है, मुझे 2 फाइल लगता है महीने में, तो वो मैं 15 दिन करके लेती हूँ, क्योंकि एक साथ लाऊंगी तो कहाँ रखूँगी और ख़राब ना हो जाए, क्योंकि फ्रिज में सिर्फ एक ही सेट में रख पाती हूँ जैसे तैसे मैनेज करके। वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ। एंड फ्रेंड्स, मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर दिया था मेसो से, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, आप लोगों को शायद हेल्प मिल जाए। तो ऑर्गेनाइज़र फ्रिज ऑर्गेनाइज़र है, इसमें 6 सेट का भी आता है, 12 भी आता है। लंबा एक बॉक्स रहता है, उसके अंदर एक प्लास्टिक का होल्डर रहता है। एंड देन मैं आपको दिखाती हूँ कैप, ये कैप रहता है, इसको ऐसे करके लगा दो। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि आपको फिश रखना हो, मीट रखना हो, चिकन रखना हो, सब्जी रखना हो, धनिया, जो भी फ्रिज में जो भी हम लोग रखते हैं उसको आप आराम से रख के ऐसा पूरा, मतलब जो डब्बा रहता है ऐसा पूरा सेट करके आप आराम से उसको स्टोर कर सकते हो। इससे क्या रहता है, फ्रिज तो बहुत ऑर्गेनाइज रहता है, अच्छा लगता है। एंड आपको टाइम से आपको जो चीज़ चाहिए होता है जस्ट ओपन करो एंड रख दो। सो ये मैंने लिया है। एंड अभी मेरे पास 1, 2, 3, 4 है। एंड नहीं, 8 पीस का मैंने लिया है, 6 पीस का नहीं, क्योंकि अभी मेरे पास 4 बॉक्स है। एंड 4 बॉक्स ऑलरेडी फ्रिज में मैंने आज सामान रख दिया है, तो एक 6 का होगा, एक 8 का होगा, एक 12 का होगा शायद, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो अभी अगर मेरे पास 4 है तो 4 मेरे पास फ्रिज में भी है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैंने 4 ही अभी यूज़ किया है, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम, मतलब ये नहीं आज जैसे अभी आज के बाद शायद मैं सब कुछ यूज़ कर लूँ, क्योंकि जैसे कि महीना का 15 तारीख है, तो अभी इतना सारा मैं शॉपिंग करके आई भी हूँ, तो मुझे ज़रूरत पड़ेगा तो वो सारे चीज़ जैसे ज़रूरत पड़ेगा तो वो मैं सेट कर दूँगी। तो आप लोग अगर चाहो तो ये ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपका फ्रिज को, बहुत ज़्यादा अच्छा रखेगा, फ्रेश रखेगा, आपका सामान इधर उधर नहीं होगा, और आपका खाना भी बहुत ज़्यादा मतलब वेस्टेज भी नहीं होगा, क्योंकि ये एकदम क्लियरली आपको पता चल जाता है कि आपके पास क्या चीज़ें नहीं है। तो कभी कभी क्या है ना, हम लोग जैसा दूसरा डब्बा में रखते हैं तो भूल जाते हैं, कलरफुल रहता है, दिखता नहीं है, तो इसमें को सब कुछ दिख जाएगा। ठीक है गाइस, तो बस ऐसा ही छोटा सा एक चीज़ था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप और ये कुकीज़ ना, मेरे को कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं खा के ये पूरा शुगर फ्री है, तो शुगर वाला और मैदा वाला जो बिस्किट है उसका टेस्ट नहीं मिला है, हेल्दी है तो हेल्दी का ही टेस्ट मिलेगा, बट अच्छा है, जो लोग डाइट करते हैं उन लोगों के लिए अच्छा है। कभी कभी नाइट में क्रेविंग होता है, या फिर बाकी ऑल टाइम पे भी, तो आराम से खा सकते हैं 1-2 पीस, ख़राब हो जाएगा। डब्बे में रख दिया मैंने, तो ऐसा है नॉट ओनली कि सब्जी के लिए ही रखना है, आप कुछ भी रख सकते हो आपका दिल। मैं तो सोच रही हूँ 1-2 में मैं अपना लिपस्टिक वगैरह भी रखूं, जरूरी थोड़ी ना है कि फ्रिज ऑर्गेनाइजर है तो फ्रिज में ही जाएगा, है कि नहीं। मैं अपने लिए नूडल्स बना रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को मैं शो कर दूं कि मैं कौन सा वाला नूडल्स खाती हूँ। तो नो मैदा वाला मैं नूडल्स खाती हूँ, बहुत ही हेल्दी है, एंड ये आप कभी कभी खा सकते हो, मैं रोज़ रोज़ नहीं खाती हूँ। जैसे कि मैं मार्केट से आई, मुझे बहुत भूख लग गया था, अभी बनाने जाऊँगी बहुत टाइम लगेगा खाना में, तो इसलिए ये चटपट बन जाता है, तो मैंने ये बनाया है, कभी कभी मैं खाती हूँ और हेल्दी भी होता है। सो ये आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। सब कुछ करके अब मैं नहा के फ्रेश होना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है।
हे गाइस, आज है 2 सितंबर और मैं गई थी कुछ काम से। अभी मैं घर जा रही हूँ तो बहुत भूख लगी थी तो रास्ते में रुक गई कि यहाँ पे ना चाय और सैंडविच बहुत ही यम मिलता है। तो मैंने सोचा मैं खा पी के ही पहले जाती हूँ क्योंकि घर पे तो फिर कुकिंग करना पड़ेगा, उतना टाइम कहाँ है। बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो ये गर्मा गर्म चाय और ये चिकन सैंडविच। ब्राउन ब्रेड नहीं था यहाँ पे, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। तो ऑयली कुछ फूड खाने से अच्छा है कि आप सैंडविच खा लो, वो फिर भी थोड़ा तो हेल्दी तो हो ही जाता है। तो मैंने सैंडविच खाया एंड यहाँ का फेमस लस्सी, ये बहुत ज़्यादा यम रहता है, बहुत ज़्यादा। एक बार अगर खाओगे ना आपको लगेगा एक दो बार खा ही लेते हैं। एंड घर के लिए भी मैंने थोड़ा खाना पैकिंग कर लिया है क्योंकि आज तो मैं कुकिंग नहीं कर सकती इसलिए। सो गाइज, मैं रेडी हो गई हूँ, अभी मूवी देखने जाएंगे और मैं इसको टॉप को ठीक कर लेती हूँ। मैंने जस्ट नॉर्मल सा ट्राउज़र पहना है, टॉप पहना है और पोनी कर लिया है, थोड़ा सा हल्का सा मेकअप कर लिया है। मेकअप मीन्स ज़्यादा नहीं, कंसीलर लगाया है एंड ब्लश लगाया है क्योंकि यही अच्छा लगता है, और न्यू लिपस्टिक जैसे मैं लगाती हूँ। सो मैं रेडी हो गई हूँ। ये ना आयरन करना था पर सोचा कि लेट नाइट ही तो जा रही हूँ, कौन देख रहा है, तो बस चलो चलते हैं। अब मेरा ओवरऑल लुक ये है, बहुत ही सिंपल है क्योंकि मूवी देखने में कंफर्टेबल थोड़ा अच्छा लगता है। ये पैंट मैं बहुत टाइम के बाद पहन रही हूँ, शायद 2 साल बाद। सो आज मुझे मिला तो मैंने सोचा आज पहन लेती हूँ, और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है ट्राउज़र। और मैं पहले से थोड़ा सा मैं और स्लिम हो गई हूँ, और ये पैंट पहनने से मुझे पता चल रहा है क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्मॉल है एंड ये अभी आ गया है। मुझे स्मॉल हो रहा था, एक्स्ट्रा स्मॉल बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा था, तो अब एक पूरी तरीके से फिट हो रहा है। सो यस, आई एम हैप्पी। तो चलो चलते हैं मूवी देखने। साउथ सिटी मॉल आ गई हूँ और साउथ सिटी मॉल ही मैं आती हूँ मूवी देखने के लिए, और वैसे भी शॉपिंग करने के लिए भी साउथ सिटी मॉल आती हूँ क्योंकि मेरी फेवरेट है। ऐसा लगता है कि मेरा दिल यहाँ पे बैठा हुआ है। ये मैं क्या बोल रही हूँ, दिल कैसे बैठ सकता है, मैं तो कुछ भी बोल रही हूँ, छोड़ो यार। तो इस टाइम मूवी देखना ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि भीड़ भड़क का कुछ नहीं होता है, आप आराम से मूवी इंजॉय कर सकते हो एंड पूरा खाली ही रहता है। बट मैं तो हम लोग थोड़ा सा एक्चुअली लेट हो गए हैं इसलिए थोड़ा खाली दिख रहा है, अदरवाइज अंदर में पूरा एकदम भरा होगा। बट ज़्यादा भीड़ नहीं रहता है, आप आराम से आपको सीट वगैरह भी मिल जाता है। पर अभी एक दो दिन फर्स्ट डे थोड़ा सा फुल रहता है। खुद को मैं निहार रही हूँ इसलिए क्योंकि मैं जो डाइट फॉलो कर रही हूँ उससे मैं थोड़ी सी और स्लिम हो गई हूँ। एंड ये सारी चीज़ आप कुछ भी मेहनत करते हो अगर आपको रिजल्ट मिलता है सो मोटिवेशन मिलता है, और कुछ नहीं तो मुझे अच्छा लग रहा है। और अभी तो मैं सैंडविच को हाथ ना लगाऊं क्योंकि ऑलरेडी मैं सैंडविच खा के आई हूँ, तो अभी मैं चीज़ पॉपकॉर्न लूँगी, नैचोस लूँगी बस, और डाइट कोक बस, मैं ये तीन ही चीज़ ही खाऊँगी और कुछ नहीं खाऊँगी। और वैसे भी मैं तीन ही चीज़ ही खाती हूँ, और थोड़ा सा अगर 10 बजे के शो होता है तो भेलपूरी वगैरह मिलता है तो वो भी ले लेती हूँ, पर अभी सब कुछ बंद हो चुका है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट है। तो चलो मूवी देखते हैं। इंटरवल हो चुका है पर मुझे सुसु नहीं लगा है तो मैं वॉशरूम अब नहीं जाऊंगी, एकदम से ही निकलूंगी। फाइनली मूवी ख़त्म हो गया, मूवी तो अच्छा लगा। पूरा मॉल का देखो पूरा और ज़्यादा खाली हो गया, और यहाँ पे अभी काम चल रहा है क्योंकि मॉर्निंग में जो डेकोरेशन वगैरह होता है रात भर यहाँ पे काम चलता है, ये सारे लोग रात भर मेहनत करता है तो इस सीखने को मिलता है। तो मेहनत करोगे तो कुछ भी आप पा सकते हो ज़िंदगी में, जैसे कि मैं भी यूट्यूब के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ। तो आप लोग भी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ताकि मैं भी, मुझे भी मोटिवेशन मिल सके एंड आप लोगों को मैं और अच्छा अच्छा कॉन्टेंट दे सकूँ, है कि नहीं।
सो घर आने के बाद मैं मिक्स फ्राइड राइस और चिकन लॉलीपॉप मैं खा रही हूँ जो मैं लेके आई थी शाम को, इसीलिए मैं लेके आई थी ताकि मैं रात में मुझे भूख लगे तो मैं थोड़ा कुछ खा लूँ। एंड देखो मेरा टॉम बाबू को, मैं ये रूम पे आई हूँ क्योंकि मुझे कुछ सामान मैंने ऑर्डर दिया था, मैं आते आते स्विगी मार्ट से मैंने ऑर्डर दिया था वो दरवान के पास, वो लोग छोड़ के चले गए थे, तो मैंने सोचा मैं देख लेती हूँ कि क्या क्या चीज़ आया है। तो टॉम बाबू, ये घर का लाइट ऑन हुआ तो टॉम बाबू आ गया, मैं जाग के रहूँगी तो ये बच्चा भी मेरे साथ जाग के रहता है कि मतलब मुझे अकेला नहीं छोड़ता है, और टाइसन बाबू मेरा सो रहा है। तो क्या है ना, अभी रात में ही मैं देख ले रही हूँ क्योंकि कुछ कुछ सामान ना कभी कभी ना मिसिंग रहता है इसलिए, और मुझे ये मटर वगैरह चाहिए था, राजमा वगैरह मुझे सैलेड के लिए ज़रूरत होता है। एंड ये ऑलिव ऑयल मैं यूज़ करती हूँ, आप लोग चाहो तो यूज़ कर सकते हो, ये बहुत अच्छा होता है। फाइनली मेरे दोनों बच्चे अब सो रहे हैं, टाइसन तो ऑलमोस्ट पहले ही सो गया था और टॉम बाबू भी अभी सो रहा है। एंड और एक चीज़ मैंने दिखाना आप लोगों को भूल गई थी, ये मैं दिखा देती हूँ क्योंकि ये भी ना मैंने ऑर्डर दिया था कुछ दिन पहले, 7 दिन पहले, तो आज ही मुझे रिसीव हुआ था, मैं भूल ही गई थी एकदम से। सो ये है स्टिकी राइस, कभी कभी आप खा सकते हो, PCOD आपका अगर है या फिर वेट लॉस करना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। इसमें सूसी भी बनता है क्योंकि स्टिकी राइस है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट ये कभी कभी के लिए आपका एकदम सही है, आप घर पे ही बना के आराम से खा सकते हो। और ये वाला नूडल्स भी बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मास्टर चाउ का सब चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है पर आप खा सकते हो। मीडियम चिली फ्लेक्स ये भी आप मतलब ऐसे ही आप कभी रोटी वोटी के साथ भी खा सकते हो, चावल के साथ खा सकते हो, मैगी चाउमीन के साथ मिक्स करके खा सकते हो। और ये मैंने चाउमीन पैकेट में ले लिया है डब्बे में कि कभी कभी मुझे जब ज़रूरत होगा तो मैं खाऊंगी। चाउमीन सॉस ये भी बहुत अच्छा होता है, ये आप किसी भी राइस के साथ मिक्स करके खा सकते हो। दैट्स इट गाइज, यही दिखाना था मुझे। गाइज तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है ज़रूर बताना, एंड आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और टॉम बाबू भी बोल रहे आप लोगों को सब्सक्राइब कर ले मम्मा का चैनल को। आज मैंने शेयर किया कि मैं कैसे सब कुछ मैनेज करती हूँ, कैसे कुछ करती हूँ, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो ढेर सारा प्यार मुझे दीजिए, और ये बदमाशी कर रहा है।